हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक माय चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को जो है भिंडी बना करके आप जो है घर पर कैसे खिला सकते हैं। देखो, भिंडी का सीजन है आजकल, और देखो गर्मी के टाइम पर हम बच्चों को भिंडी ना खिलाएं तो हमने क्या खिलाया। भिंडी जो है आजकल जो है सस्ती भी मिल जाती है, और आजकल की जो है मौसमी सब्जी भी होती है, ग्रीन वेजिटेबल भी होती है, और प्लस जूसी भी होती है। तो ऑब्वियसली आप जो है आज ही से अपने बच्चों को जो है भिंडी खिलाना स्टार्ट करिए। तो फ्रेंड्स देखो, होता है क्या है ना, जब से आपका बच्चा जो है खाना स्टार्ट कर रहा है, वो चबाना शुरू कर रहा है, तो आपको करना है क्या है, उसको जो है भिंडी खिलाना जो है स्टार्ट कर देना है। तो ऑब्वियसली भिंडी जो है हल्के तरीके से जो है चबा करके जो है बच्चा खा भी लेता है, और इससे जो है उसको बहुत सारे ऐसे जो है बेनिफिट होते हैं। तो क्या बेनिफिट होते हैं ऐसे, तो भिंडी से जो है बच्चों को जो है मिनरल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भरपूर मात्रा में मिलता है। और इसमें क्या होता है, फाइबर होता है। तो फाइबर क्या करता है, बच्चों को जो है पेट फूलना हो गया, बच्चों को गैस हो गया, कब्ज हो गया, इस प्रॉब्लम से क्या करता है, सॉर्ट आउट करता है। तो ऑब्वियसली भिंडी जो है आप बच्चों को जो है घर पर आराम से बना करके खिलाइए, और जैसा आपका बच्चा जो है पसंद करता है, आप उस तरीके से जो है भिंडी बच्चों को बना करके खिला सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो है अब बताया हुआ है कि आप जो है बच्चों को घर पर भिंडी बना करके कैसे खिला सकते हैं, और जो है अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। भिंडी बनाने के लिए हमें जो है ऐसे इस टाइप की भिंडी पकड़ लेने हैं, जिससे जो है ये बच्चा इसको इजीली जो है खा लेता है। ये पकड़ पकड़ के जो है हमें बड़े बड़े साइज के जो है भिंडी के जो है टुकड़े काटने हैं। इसमें मैंने जो है 20 से 25 भिंडी ले रखी हैं, और जो है बारीक जो है प्याज काटा है, लंबे लंबे स्लाइस में काटा हुआ है, और थोड़ी सी जो है ये मिर्च ली हुई है। अगर आपके बच्चे जो है मिर्च पसंद नहीं करते हैं, बट मेरा बेटा काविस जो है मिर्च पसंद करता है, तो उसको जो है मिर्च का फ्लेवर थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा तीखा डाल दिया है। ये नमक है, ये हल्दी हो गई, ये हो गया जीरा और धनिया पाउडर, ये हो गया सब्जी मसाला। तो स्टार्ट करते हैं भिंडी बनाना। ये ले लिया है मैंने थोड़ा सरसों का तेल। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा गर्म हो गया, अब हम इसमें जो है डायरेक्ट जो है भिंडी डाल देंगे। भिंडी डालने के बाद जो है इसको हमें थोड़ा घुमाते रहना है, थोड़ा भूनना है, जिससे जो है भिंडी थोड़ी क्रिस्पी बने। और उसके बाद हमने इसमें जो है जो प्याज हमने कटे हुए डाले थे वो इसमें हमें डाल देना है, और दोनों को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है भून लेना है 10 से 15 मिनट, जिससे जो है भिंडी जो है चिपके ना आपस में, और जो है वो थोड़ी सी क्या करे, क्रिस्पी बने। अब इसको जो है भूनते भूनते 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें जो है हमने जो बारीक कटी हुई जो मिर्च थी वो डाल देनी है। आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपके बच्चे को पसंद नहीं आती है। देन उसके बाद आप इसमें जो है हल्का नमक डालें, क्योंकि बच्चों को जो है आप जितना हल्का नमक देंगे उतना अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है कि नमक थोड़ा बाद में कम हो गया है, तो फिर आप बाद में जो है थोड़ा ऐड कर लीजिए। देन डालेंगे हम थोड़ा सा जो है सब्जी मसाला, थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डालें, जीरा और धनिया पाउडर डालें। देन उसके बाद जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, जो कि नमक कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम ना हो, वरना बच्चे खाएंगे नहीं, उनको टेस्ट जो है थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। इसीलिए जो है बच्चा जो है हर कोई चीज खाना पसंद भी करता है, और भिंडी तो स्पेशली जो है बच्चे पसंद भी करते हैं। अब हमने ये जो है पूरी अच्छे तरीके से मिला लिया है। मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको जो है कुक होने तक आपको करना क्या है, बिल्कुल खुला छोड़ना है। आपको इसको बिल्कुल भी ढककर नहीं रखना है। अगर आप इसको ढककर रखेंगे तो होगा क्या, भिंडी जो है आपस में चिपकेगी, और इसमें एक जो स्लाइस टाइप की होती है ना वो बन जाएगी, तो बच्चा जो है उसको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। ऑब्वियसली बच्चे तो बच्चे ही रहे, बड़े भी जो है उसको खाना नहीं पसंद करेंगे। हम जो है इसको जब तक भिंडी जो है बनती है, इसको जो है हमें खुला छोड़ देना है। फ्रेंड्स देखो, अब भिंडी जो है पूरी पक करके रेडी हो गई है, और मैंने इसको जो है बीच बीच में चलाया हुआ भी था, 10 से
15 मिनट में जो है ये रेडी हो गई और मैंने इसको बीच में जो है 4 से 5 बार चलाया ताकि जो है ये जल ना जाए। अब देखो भिंडी कितनी क्रिस्पी बनी हुई है, बिल्कुल भी चिपकी नहीं हुई है। इसको मैंने बिल्कुल भी ढक करके नहीं बनाया हुआ था। देखो हम जो है इसको एक एक बच्चा जो है उठा उठा करके जो है खा सकता है इजिली, क्योंकि बच्चे जो है अभी खाना स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो है हम उनको जो है इस तरीके की भिंडी जो है बना करके दे सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जो है मीडियम में जो है रख देना है। रखने के बाद जो है आप इसको क्या करिए जो है थोड़ी देर जो है 5 से 10 मिनट जो है क्या करिए बिल्कुल बंद करके रख दीजिए, जिससे जो है थोड़ी बहुत जो है थोड़ा कच्चापन रहेगा तो भिंडी जो है पूरी तरीके से क्या होगी पक जाएगी। तो फ्रेंड्स देखो अब जो ये पक करके रेडी हो गई है। मैंने आपको जो है 10 से 15 मिनट जो है इसको ढक के रखा हुआ था। अब मैं जो है आपको इसको इस तरीके से निकाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड भिंडी कितनी टेस्टी यमी और क्रिस्पी बनी हुई है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए जरूर से जरूर भिंडी बनाइए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि आप बच्चों को जो है भिंडी क्यों खिला सकते हैं, क्या इसके फायदे हैं, कैसे आप जो है इसको बना सकते हैं जिससे आपका बच्चा जो है भिंडी बड़े चाव से खाएगा। मिलते हैं आपसे एक हेल्पफुल वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।